हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे क्लास 9th चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर का टॉपिक। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, यानी प्योर सब्सटेंसेस के आपको टाइप्स बताने हैं कितने हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कंपोजिशन। तो केमिकल कंपोजिशन के बेस पे जो सब्सटेंसेस है हमने उनको दो कैटेगरी में डाला है, ठीक है, क्लासीफाई किया है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स क्या होते हैं। रॉबर्ट बॉयल वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द टर्म एलिमेंट इन 1661। तो रॉबर्ट बॉयल पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने किस को यूज़ किया था, टर्म एलिमेंट का यूज़ किया था। ठीक है, एंटोइन लॉरेंट लेवेजियर 1743 1994 अ फ्रेंच केमिस्ट वाज द फर्स्ट टू स्टैब्लिश एन एक्सपेरिमेंटली यूजफुल डेफिनेशन ऑफ एन एलिमेंट। तो ये पहले फ्रेंच केमिस्ट थे जिसने एक्सपेरिमेंटली क्या करा था, एलिमेंट की डेफिनेशन को स्टैब्लिश किया था। ठीक है, बताया था ही डिफाइंड एन एलिमेंट एज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर। तो इन्होंने क्या बताया था कि जो एलिमेंट है क्या है, बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर की, यानी कि क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर की, दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इंटू सिंपलर सब्सटेंसेस, जिसको हम तोड़ के सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, यानी कि सबसे बेसिक फॉर्म क्या है मैटर की, एलिमेंट है, बाय केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन से, ठीक है, इनको तोड़ के हम सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि यही क्या है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है मैटर की। एलिमेंट कैन बी नॉर्मली डिवाइडेड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड। और एलिमेंट्स को कितनी किस में डिवाइड किया गया, तीन, उसमें तीन टाइप्स में, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। मेटल यूजुअली शो सम और ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। मेटल हमें ये प्रॉपर्टीज शो करते हैं, दे हैव अ लक्सरस साइन। तो मेटल्स हमारे कैसे होते हैं, साइन सी मारती है उसमें, ठीक है, साइनिंग सी लगती है। दे आर सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर। उनके कलर कैसा होता है, सिल्वर ग्रे और गोल्डन येलो कलर के ये होते हैं हमारे मेटल। दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, यानी कि अपने अंदर से फ्लो होने देते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी को। दे आर डक्टाइल, ये कैसे होते हैं, डक्टाइल से होते हैं, ठीक है, इनको हम पीट के क्या बना सकते हैं, वायर्स बना सकते हैं, ठीक है, कैन बी ड्रॉन इन टू वायर्स। दे आर मेलेबल, कैन बी हैमर्ड इन टू अ थिन शीट, इनको हम पतली सी सीट भी बना सकते हैं इनकी, ठीक है, मैलेबल है क्योंकि। दे आर सोनोरस, सोनोरस यानी कि अगर हम इनको स्टक करेंगे किसी चीज़ से, हिट करेंगे तो इनमें से रिंगिंग साउंड निकलती है, ठीक है, ये आप छोटी क्लास में पढ़ के आए हो, क्लास 8th में भी है चैप्टर मेटल नॉन मेटल। एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स आर गुड गोल्ड, एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स आर, एग्जाम्पल क्या है मेटल्स के, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा, ये सारे क्या है, मेटल्स है। मरकरी इज द ओनली मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो मरकरी वो मेटल है जो हमारा लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, वो क्वेश्चन आता है मरकरी। नॉन मेटल यूजली शो सम और ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। नॉन मेटल हमारे ये वाली प्रॉपर्टी शो करते हैं, दे डिस्प्ले अ वेराइटी ऑफ कलर्स, ये अलग अलग कलर के होते हैं। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये पुअर कंडक्टर होते हैं, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से बहने नहीं देते, फॉलो नहीं होने देते। दे आर नॉन लक्सरस, सोनरस और मेलेबल, ये नॉन लक्सरस होते हैं, इनमें चमक भी नहीं होती है, ये साउंड भी प्रोड्यूस नहीं करते अगर आपको इसको हिट करोगे किसी चीज़ से, और ये मेलेबल भी नहीं होते। दे आर ब्रिटल, ये टूट जाते हैं, अगर आप इनको पीटोगे छेतोगे तो क्या हो जाएगा, टूट जाएंगे, ये पतली सी परत में चेंज नहीं हो सकती, सीट में या वायर्स में। एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल्स आर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, कॉइल, कॉक, ब्रोमीन, क्लोरीन एसेट्रा, ये सब किसके एग्जाम्पल है, नॉन मेटल के। सम एलिमेंट्स हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी बिटवीन दोज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी किसके बीच में लाई करती है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में, उनको हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड मेटलॉइड्स, यानी ये कुछ प्रॉपर्टी तो मेटल की शो करेंगे और कुछ नॉन मेटल की प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स। एग्जाम्पल क्या हो जाएगी इसके, बोरोन, सिलिकन, जर्मेनियम एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये था आपका टॉपिक, सो आई होप आप सबको समझ में आए होंगे, ठीक है, मेटल्स, ठीक है, एलिमेंट्स क्या है, एलिमेंट्स के टाइप क्या है, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कंपाउंड्स क्या होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।